मूलतः कहाँ की रहने वाली है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना राहुल उपाध्याय है। मैं मूलतः मैं मुंबई महाराष्ट्र की हूँ, मेरा जन्म यहीं का है। गांव कहाँ है? गांव जौनपुर, जिला जौनपुर। आपका ससुराल? ससुराल मरिया हूँ, इटाए गांव पड़ रहा हूँ। कैसे आपके मन में आया कि केबीसी में जाना चाहिए? केबीसी में जाने का सर अचानक से नहीं आया, ऐसा था कि कुछ करना है लेकिन हटके करना है, क्योंकि जॉब तो हर कोई करता है और एक सैलरी आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलती है, लेकिन उसके साथ मुझे था कि मेरा कॉन्फिडेंस, वो मुझे चेक करना था कि वो कितना, क्योंकि मुझे जॉब छोड़े हुए 12 साल हो गए थे। मैं स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाती थी लेकिन बच्चे हुए और घर परिवार की जिम्मेदारियों में तो उसी में मैं रह गई, तो इसलिए मुझे केबीसी एक ऐसा मंच था जो मुझे पैसे के साथ में एक पहचान दे सकता, उसके लिए मैंने सोचा कि केबीसी को ही जरिया बनाना है मुझे। 2021 में मैंने सोचा कि मुझे केबीसी में जाना चाहिए। जब आपको मौका मिला और आप केबीसी में पहुंची, या यूं कहें कि अमिताभ बच्चन जी से मिली, तो आपको कैसा लगा? तो अमिताभ बच्चन जी से मिलने के बाद कैसा लगा, ये सवाल हर इंसान अपने आप से पूछे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर जवाब उसको मिल सकता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊंगी तो यही कि वो समय मेरे लिए था कि वो एक सपना था। मुझे हमेशा लग रहा था कि मैं एक सपना जी रही हूँ। जिस इंसान को एक टीवी के बॉक्स में मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने भी देखा था, वो उनके सुपरस्टार थे, और उनको आज मुझे मिलने का मौका मिल रहा है अपने ज्ञान के दम, तो वो मेरे लिए सच में लग रहा था कि मैंने सपना जिया है। और रही बात अमिताभ बच्चन जी की, तो वो वाकई कहते ना, जितनी बड़ी शख्सियत हो जाती है उतना ही इंसान एकदम नम्र रहता है, तो उनका वो व्यवहार हमने देखा, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग ऐसा कंटेस्टेंट है, बहुत एकदम वो करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एकदम अच्छे से हंसी मजाक करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि हम एकदम वो लगे ही नहीं कि हम अमिताभ बच्चन के सामने बैठे, तो उनके साथ मिलने का जो अनुभव था वो शब्दों में नहीं बयां हो सकता, लेकिन इतना ही कहूंगी कि अद्भुत था मेरे लिए अमिताभ बच्चन जी से मिलना। कभी किसी रियलिटी शो में हिस्सा लिया? नहीं, इसके पहले कोई भी रियलिटी शो में कभी हिस्सा नहीं लिया था मैंने। कुछ खास अनुभव केबीसी का जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? खास अनुभव रिया केबीसी का मैं ये बताना चाहूंगी ना कि वहां जाने के बाद ना आपको अपने बारे में एक अलग राय बन जाती है, जो कहीं ना कहीं आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आप इतना उसमें बिजी हो जाते हैं ना कि आप काम करना है, सैलरी मिल रही है, घर परिवार उसमें देखें, लेकिन केबीसी में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि हमको एक बुकलेट दी जाती है उसमें आपके बारे में वो सारे सवाल पूछे जाते हैं ना जो आपने कभी खुद ने नहीं सोचे होंगे, तो इतना इम्पोर्टेंस देता है केबीसी एक व्यक्ति को कि आपको आपके बारे में अच्छी बातें, बुरी बातें, क्या लाइफ में आपने सोचा था और क्या पाया और नहीं पाया तो क्यों नहीं, और अभी अगर आपको मौका मिला तो कर पाएंगी क्या, या अभी भी आपकी जिंदगी, ऐसे हजारों सवाल पूछते हैं वो एक बुकलेट में, कि बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है पर्सन जो आपको खुद को इतना जानने की कोशिश कर रहा है, तो आपको आपसे मिलाता है मुझे ऐसा लगता है कि इससे। आपका ससुराल जौनपुर है तो जौनपुर वालों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सच कहूँ तो मैं मूलतः मेरा जो मेरे माता पिता हैं, मेरा ससुराल सब कुछ जौनपुर है, तो हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, क्योंकि हम हमेशा जाते हैं गांव से, तो माटी जो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी उड़ जाए, वो पतंग कितने भी आसमान में उड़ जाए, लेकिन जब तक डोर से बंधी रहेगी तभी तक उसका अस्तित्व है, तो जौनपुर से तो हमारा वो रिलेशन हमेशा से ही रहा है। और मैं संदेश तो मैं जौनपुर वासियों को क्या हर किसी को ही देना चाहूंगी कि आप सपना देखिए अपने लिए और मेहनत कीजिए, और उस मेहनत में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी वो कहते हैं ना कि ईश्वर खुद हाथ पकड़ के आपको लेके आएगा ऊपर। थैंक यू। क्या नाम है और आपका गांव कहाँ है? मेरा नाम डॉक्टर राहुल उपाध्याय है और मेरा गांव जौनपुर मणिया हूँ और टाइम बाजार में पढ़ रहा हूँ स्थित है। अर्चना जी केबीसी में गई तो कैसा लगा आपको? जब अर्चना केबीसी में गई तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है कि नहीं है, क्योंकि वो 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रही थी और ट्राई कर रही थी, और लेकिन जब कॉल आया तो मुझे लगा कि यार सच में कॉल आया कि नहीं आया, तो ये सही है कि नहीं है, तुम सच बोलो, मजाक मत करो, ऐसे मैंने पूछा। लेकिन फिर जब पता चला कि फोन आ गए केबीसी से, मुझे ऐसा लगा कि यार एक चीज़ है जो अभी हमको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करेगा और आगे ले जाएगा। जब अर्चना जी हॉट सीट पे बैठी तो फिर आपका कैसा अनुभव रहा उस समय? जब तक वो हॉट सीट पे नहीं बैठ रही थी तब तक तो ऐसा लग रहा था कि कब आए कब वो हॉट सीट पे आए, लेकिन जैसे ही उनका समय कम आया और वो क्या फास्टेस्ट फिंगर पर्स में हॉट सीट पे जब आ गई, तो ऐसा लगा कि हाँ अब जो हमने सोचा था हो गया पूरा, अमिताभ बच्चन से हम मिल पाएंगे और हम अमिताभ बच्चन से फोटो निकाल पाएंगे और उनसे मिल पाएंगे।
अर्चना जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इनमें अर्चना जी में एक मुझे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगी कि मैं कितना भी उनको रोकूं टोकूं, लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि मैं पढ़ती रहूंगी, पहले तो मुझे लग नहीं रहा था किस लिए पढ़ रही है, लेकिन दिन रात पढ़ते रहते थे, तो मुझे लगा, तो मैं सोचता था कि यार क्यों इतना मेहनत कर रहे, क्या हो रहा है, क्या करने के लिए मेहनत कर रही है, जब लेकिन जब केबीसी में सिलेक्शन हुआ तब लगा कि हाँ इसके लिए, तो उनका मेहनत ही उनका जो ये था जरिया था जो उनको आगे ले गया। थैंक यू।